अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी टेस्टी बच्चों का पसंदीदा मीठा पराठा, जिसे हम गुड़ से बनाएंगे। जिसके लिए मैंने 500 ग्राम आटा ले लिया है। इसे पहले हम भिगा कर रख लेंगे। आटे में हम थोड़ा सा पौ टी स्पून के करीब नमक ऐड करेंगे और एक बड़े चम्मच से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर आटे का एक माफ़कद सा डो तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ना पतला ना घट मीडियम तरीके का इसका डो तैयार कर लेंगे हम। इसे एक 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और इसके अंदर जो पराठे में हमको स्टफिंग भरना है, हम उसकी तैयारी करेंगे। ये गुड़ हमारा मैंने इस तरीके से एक छोटा सा पीस ले लिया है। जितने भी हम पराठे बनाना है उस हिसाब से हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। अब इसे मैं एक ब्रेकश की मदद से इसे घस लेंगे। गुड़ को हमने अच्छे से ग्रेट कर रख लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी तिल। चाय के चम्मच से मैं 2 टीस्पून के करीब तिल ऐड करूंगी। थोड़ी सी खसखस को हमने भून लिया है, 2 टीस्पून इसमें हम खसखस भी ऐड करेंगे। और जो मूंगफली के दाने हैं उसे हमने लेकर हल्के से रोस्ट कर लिए है, उसका पाउडर भी हम इस तरीके से धरधरा बनाकर इसमें ऐड करेंगे। 3 टीस्पून के करीब हम इसमें ऐड करेंगे और 2 इलायची पाउडर। इसे अच्छे से हम अब मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तिल और हम खसखस और थोड़ा सा मूंगफली के दानों को इसको धरधरा पीस कर मैंने इसमें मिला लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर इसे साइड में रखेंगे और आटे को अच्छे से चिकना कर लेंगे मालिश कर कर। आटे को हमने अच्छे से चिकना कर लिया है। अब हम इसके पेड़े बनाकर इसके पराठे बनाएंगे। इस तरीक़े से हम मीडियम साइज़ के जितने रोटी के लिए हम लेते हैं उस हिसाब से इस तरीक़े से हम ये आटे के पेड़े बनाकर रख लेंगे और अब हम इसे बेलेंगे। ये देखिए, इस तरीक़े से हम थोड़ा सा इसे बेल लेंगे। इस पर बिल्कुल नए के बराबर मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया है। तरीक़े से हम थोड़ा सा बेलकर इसके अंदर ये फिलिंग भरेंगे हम गुड़ की। जितना भी आप ज़्यादा पसंद करते हैं उस हिसाब से इस तरीक़े से इसमें ऐड कीजिए। इसे अच्छे से इस तरीक़े से फैलाकर हम इसके किनारों को इस तरीक़े से जोड़ लेंगे। ये देखिए, इस तरीक़े से हमने चारों तरफ से उसके किनारों को अच्छे से इस तरीक़े से मोड़ लिया है। अब हम इस तरीक़े से इसको सूखे आटे में लपेट कर इसका एक मीडियम साइज़ का एक पराठा बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीक़े से हमने मीडियम साइज़ का, ज़्यादा पतला नहीं मीडियम साइज़ का, इस तरीक़े से हमने पराठा बना लिया है। इसे गैस पर मैंने तवा चढ़ा लिया है। तवा हमारा गर्म हो चुका है। मीडियम फ्लेम पर रख कर इसको थोड़े से थोड़ा सा हम असली घी लगाएंगे ताकि पराठे हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। इसके बाद हम इस पर पराठा इसकी एक साइड अच्छा सिकने तक इसे मीडियम फ्लेम पर रख कर पकाएंगे। ये देखिए, एक तरफ से हमारा पराठा अच्छे से सिक चुका है। अब इसकी साइड हम चेंज करके दूसरी साइड भी इसे सिकने के लिए मीडियम फ्लेम पर रखकर दूसरे पराठे को भी हम बेल लेंगे। 1 टीस्पून हम इस पर घी ऐड करेंगे। नीचे से भी हमारा पराठा अच्छे से सिक चुका है। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए, पूरा पराठा हमारा अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसकी ये साइड भी इसे अच्छे से घी लगा लेंगे। जितना भी घी पसंद करते हैं आप, कम या ज़्यादा,
चाहे तो आप तेल में भी बनाइए या घी में भी बनाइए, जिस तरीके से भी आपको पसंद है उस तरीके से बनाइए। देखिए अच्छे से गोल्डन कलर के इस पर इसका कलर आ चुका है। अब हम निकाल कर दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। ये देखिए पराठे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। पराठे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इसकी ऊपर की एक परत मैंने आपको निकालने के लिए बताया है। इस तरीके से अंदर पूरा गुड़ का शीरा और जो भी हमने इसमें डाले थे, थोड़ी सी मूंगफली, तिल और खसखस, इसे बनाते वक्त अगर आप चाहे तो इसका साइज और छोटा भी बना सकते हैं। आप इस तरीके से बनाइए, बच्चों को दीजिए, सर्दी के दिनों में बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।